ये है जी कराची की गोल मस्जिद। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो जी? हम ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। कल मैं थोड़ा जहाँ हाँ जी जो है ना वो कराची का घूमने फिरने का आखिरी व्लॉग होने वाला, और इंशाल्लाह बहुत इंटरेस्टिंग बना देंगे, यादगार बना देंगे इस व्लॉग इंशाल्लाह ताला। और आप लोगों ने देख के बताना ये व्लॉग आपको लगा कैसा है। और अब जहाँ पे हम आए हैं आपको एक स्पेशल जगह है जो हम काफ़ी दिनों से एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे थे, और इसके बाद एक ऐसी जगह है जो पाकिस्तानी किसी यूट्यूबर ने नहीं दिखाई, हम इसके बाद जाएंगे वहाँ पे। क्या ख्याल है? आपकी बचपन की यादें पे जुड़ी हुई। हाँ, ये देखें जी हम कहाँ पे आए हैं, ये आप लोग अंदाज़ा करके बताएं, और इस चीज़ से थोड़ा सा शायद अंदाज़ा हो जाए आपको। चलें आगे आगे चलते हैं। हाँ चलें, मैं आप लोगों की क्यूरियोसिटी जो है ना, हम लोग आए हैं कायदे आज़म के मज़ार, और ये थर्ड ट्राई है ना हमारा, थर्ड और अभी भी अंदर से पता नहीं खुला है कि बंद है। और मैं आई हूँ कोई 22-23 साल बाद, बहुत छोटी थी, हमने बहुत कोशिश की, तब रश इतना था, तब भी बंद कर दिया था रश की वजह। ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह हम आ चुके हैं कायदे आज़म के मज़ार पे। यहाँ पे बहुत सारी फैमिलीज बैठी जो इसको एज अ पिकनिक पॉइंट जो है ना, पिकनिक स्पॉट की तरह लोग आते हैं खाना शाना लेकर, भी मुझे नज़र आ रहा है। बड़ी अच्छी वाइब्स आ रही हैं, बचपन की यादें ताज़ा हो रही हैं। खैर हमने पिकनिक तो नहीं यहाँ पे किया हुआ, लेकिन हम बचपन में आए थे, वो भी एक सीन ऐसा हुआ था कि डॉक्टर की अपॉइंटमेंट थी और लेट हो गए थे तो यहाँ पे आ गए थे, ऐसा सीन था। हाँ, वेटिंग में थे तो यहाँ पे आ गए थे। बेगम रियाना यहाँ के तरीक खान की, और इनका भी बहुत ज्यादा रोल था तहरीके पाकिस्तान में। अच्छा, ये सबके एक साइड पे हिंदी लिखी हुई है, एक साइड पे उर्दू से नाम लिखा हुआ है सबके ऐसे। ये ये लियाकत अली खान साहब की है, और वो बेगम ने देखी, इस साइड से दिखाता हूँ आपको, ये देखें। अच्छा जी, तो हम आए हैं मोहतरमा फातिमा अली जिन्ना साहिबा की कब्र पर, यहाँ पे फातिहा करते हैं फिर आपसे मिलते हैं। ये देखें, पाकिस्तान बनने के 20 इयर्स के बाद इनकी डेथ हुई थी। फातिमा जिन्ना का इंतकाल जो है जब हुआ था तो वो नज़रबंद हुई नहीं थी, और उन दिनों में इनका इंतकाल हुआ अयूब खान के दौर। यहाँ पे कोई क्या लिखा है, यहाँ पे कोई म्यूजियम टाइप है, और उसकी एंट्री फीस भाई सिर्फ 10 रुपए है। और जो मैंने और सना ने नोट किया ना, जो यहाँ पे सफाई है, फर्श आप देखिए इतना कोई साफ सुथरा है ना, और सफाई का बहुत ख्याल रखा गया है, बहुत मेंटेन रखी गई है जगह। भाई यहाँ पे सारी कायदे आज़म की बिलोंगिंग्स हैं, ये देखिए पिक्चर्स लगी हुई हैं, ये उनका वो है सेटअप। हाँ यहाँ पे रखा है, मतलब उन्होंने एक नक्शा खींचा है ना यहाँ पे, इस तरह से सेटिंग की चीज़ें तो उनकी हैं, लेकिन ये जगह तो नहीं होगी ना उस टाइम, ये सब जा रही हूँ आपको लाइब्रेरी और पिक्चर्स। हाँ हाँ वो सारा कि क्योंकि फेल हो। हाँ सही, और ये जो है ना जब कायदे आज़म की वफ़ात हुई थी तो ये कहते हैं कि इतना इस कदर रश था ना कि इतनी बड़ी नमाज जनाजा हुई थी, और बेटी दीना भाई जो है उनकी कब्र पे सो गई। जी मैं हल्की सी क्लिप बना देती हूँ, देख लीजिएगा, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो हम में से बहुत से पाकिस्तानियों ने नहीं देखी हुई होंगी, और बाहर वाले लोगों ने भी नहीं देखी हुई होंगी ना, उनकी बिलोंगिंग्स हैं जो घर में डेकोरेट हुई हुई होंगी। ये वो करेंसी है जो पहले ब्रिटिश इंडिया में यूज होती थी, फिर पाकिस्तान बनने के बाद ये करेंसी आप देखें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी लिखा हुआ है, और हुकूमत पाकिस्तान भी लिखा हुआ है, ये देखें। तो ये वो करेंसी है, आज से पहले शायद बहुत से लोगों ने नहीं देखी होगी। ये कायदे आज़म का ड्रेस, थ्री पीस स्ट्रिप ब्राउन सर्च सूट विद डबल ब्रेस्ट कोट, अपना वकील ये जब वकील थे ना, रोग तो ये कोट है, रोग है, रोग कहते हैं इसे, और ये अपने वोकला दौर का कब से चला है, पजामा, ये पजामा देखें सना, ये पैंट का वो देखें कैसा है, ये देखो स्टाइल, देखो इसका ये पेरिस्टाइल जो स्टाइल, देखो पैंट का
ग्रैंड बेल्ट भी है देखो कायदे आजम बैरिस्टर। अच्छा ये हम उनके लिए बना रहे हैं हमारे ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए, वो लोग जिन्होंने ये कभी नहीं देखा हुआ है, तो ये आप लोगों के लिए। देखो ये कायदे आजम के शूज हैं, देखो थोड़े से खराब भी हो गए। अच्छा तो ये भाई शूज, हाँ भाई देखें किस तरह से उन्होंने स्टोर किया हुआ है। ये जो है ना एक कौमी असासा है और इतने अच्छे तरीके से स्टोर हुआ है कि बस। भाई ये सोफा सेट है, ये कोई कोई ये जो है ना टाइगर स्किन है, और ये जो है इनका डाइनिंग टेबल, और इतना आला लग रहा है, इतना कोई अच्छा लग रहा है, इतनी अच्छी वाइब्स आ रही है ना, ऐसा लग रहा है अभी यहाँ पे कोई आ जाएगा खाना खाने। अब मुझे ये नहीं पता कटलरी उस जमाने की है कि नहीं, मैं पढ़ती हूँ मतलब लिखा हुआ है, बट डिनर सेट भी उनका ही है, वेरी नाइस। नायरा देखो ऐसा लग रहा है ना कोई खाना खाने आएगा यहाँ पे। अच्छा ये जो पाइप्स और सिगार क्या कहते हैं, हाँ पाइप्स लिखा हुआ है ना, ये कायदे आजम ये भी पढ़े, और इतनी अच्छी फीलिंग आ रही है ना ऐसे देखते ही, डेकोरेशन ऑब्जेक्ट्स भी हैं, बर्तन देखो, और जो मैंने अभी डाइनिंग टेबल दिखाया उसमें जो डिनर सेट था कहते हैं वो उनका फेवरेट डिनर सेट था, और ऐसा लग रहा है कि अभी कोई आके वहाँ पे खाना खाएगा। यार ये कैंडल स्टैंड कितना प्यारा है पुराना, ये बोला देखो कैसे चमक रहा है, ये बहुत चमक रहा है, मैं वही देख रहा हूं, देखो वो भी मुझे लग रहा है चांदी का है, वो चांदी का ही, ये तांबे का लग रहा है क्योंकि इतनी चमक उसी में हो सकती है, ये भी चांदी का, ये भी चांदी का, बहुत जबरदस्त मुझे लगता है पॉलिश करके रखे हां, छोटी मेरी बच्ची यार, देखो बेगम के जहेज के बर्तन। अच्छा ये दिखा हुआ है कि ये उनका फेवरेट डिनर सेट था, और कटलरी कैसे चमक रही है, जरा मेंटेन रखा है, जाहिर है अंदर जाते होंगे सफाई करते होंगे, भाई शाबाश है हमारी हुकूमत पे या जो भी यहाँ पे जो करते हैं, जो भी क्या कहेंगे जिम्मेदार हैं, शाबाश है आप पे, किस तरह से आप लोगों ने चीजें मेंटेन की। ये जो है ना नहीं हटो, ये बेडरूम फर्नीचर है, मुझे नहीं समझ आ रही, ये बेड काफी छोटा है, ये रखना खाली कायदे आजम की वाइफ, अच्छा उनकी वाइफ के जेल इस्तेमाल रहा है शायद, उनके जूते भी पड़े हैं। वाओ यार इतनी अच्छी वाइफ आ रही है, जो कराची में रहते हैं अपने बच्चों को जरूर यहाँ पे लेकर आई है इनकी वाइफ, ये ना यहाँ पे बैठ के ड्रेसअप होती होंगी यार, ये बहुत छोटा है के मुझे इतनी अलमारी मिलेगा तो मैं तो पागल हो जाऊँ, ये देखिए ना यहाँ बैठ के वो मेकअप करती हूँ, ये पागल होना किस हिसाब से कहे, तो बहुत छोटी है अलमारी में मेरी चीजें ही ना आए, यही बताया जी, तो कायदे आजम मोहम्मद अली की ना की, ये देखिए कैडिलिक कार है, और ये कैडिलिक कार नेशनल मोटर्स लिमिटेड ने, हां जी वो किया है, हां कंडीशन हुई है, ये देखिए जी क्या हालत चमक रही है भाई, ये देखिए, और सेकंड कार यार बहुत शाइन है, और सेकंड कार है ये देखिए, ये अंदर से भी आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये अंदर से यार इतनी अट्रैक्टिव ये जगह है ना कि बस। अच्छा जी तो ये अंदर से हमने फुटेज बनाई है, और भाई ये अलाउ था, किसी ने हमें कुछ नहीं कहा, मुझे लग रहा था शायद ये अलाउ नहीं होगा, और इतनी अच्छे और पुरसकून जगह है ना ये, ठंडी ठंडी बहुत, हमें यहाँ पे जो है ना वो सुकून आया, इंजॉय किया, वॉइस ओवर कर देना आवाज़ लेकिन इतना यहाँ पे सुकून है, खामोशी और बहुत वेल मेंटेन है, और बस हमारी ये दुआ है कि अल्लाह इनको इस चीज़ का अजर व सवाब दे जो इन्होंने हमारे लिए किया है, बहुत बहुत ज़्यादा जद्दोजहद और कुर्बानियाँ दी हैं, तो बहुत अच्छी यहाँ पे वाइब्स आई, वीडियो में बना चुकी हूँ सारी। है जी तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये वो जगह है जिसकी मैं बार बार बात कर रहा था, ये देखें ये है जी कराची की गोल मस्जिद, इसका नाम है, और ये इतनी को खूबसूरत है माशाल्लाह, जितनी तारीफ की जाए, मुझे सांस चढ़ रहा है थोड़ा सा चला हूँ ना इस वजह से, इसकी जितनी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि ये जितना इसका ये हिस्सा है ना, ये जितना इसका मीनार है, मैं आप लोगों को अंदर जाके दिखाता हूँ, कोई स्पोर्ट नहीं है, ऐसे स्टाइल से बनाया हुआ है कि विदाउट सपोर्ट, और इसमें आवाज़ ऐसे बोलो तो गूंजती है, इतनी को प्यारी लगती है, और ये देखिए ये इसके बाहर गार्डन वगैरह हैं, और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है ये, अभी मैं आपको अंदर ले जाके दिखाता हूँ। अभी हम चल रहे हैं ना, तो फर्स्ट टाइम आई है मैं, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी दफ़े यहाँ पे आया हूँ, अभी हम लोग चल रहे हैं अंदर और आपको दिखाते हैं, ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह,
और यहाँ की खूबसूरती आपको यहाँ सच कह रहे थे। हाँ जी, ये देखिए माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। और इसकी मेन अट्रैक्शन पता क्या है, इसके सेंटर ये देखिए कोई पिलर नहीं है, इसके सेंटर में कोई सहारा नहीं है। बड़े अक्लमंद इंजीनियर की, हाँ जी, इसके सेंटर में कोई पिलर नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह कोई सहारा नहीं है। ये देखिए, और ये इसकी छत देखिए, अभी है ना, जरा जरा ऊंचा बोलो, अल्लाह आई आप लोगों को आवाज आ रही है, अल्लाह। ये देखिए बाकायदा माशाल्लाह से आवाज यहाँ पे गूंजती है। और ये मस्जिद अपनी तर्ज की खूबसूरत मस्जिदों में से एक है, खूबसूरत तरीन मस्जिदों में से एक है। और माशाल्लाह 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 यार, इस जगह की मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी मेरे जो फूफा थे, अल्लाह उन्हें जन्नत अल फिरदौस में जगह अता करे, उनके साथ मैं एक दफ़ा नहीं, मैं कई दफ़ा इस मस्जिद में आया हूँ, मैंने ये सारी देखी हुई। अभी मैं सब पीछे बैठ के, मैं आगे जा रहा हूँ आपको इसका वो दिखाने, क्या कहते हैं, मेंबर वो दिखाने जा रहा हूँ। ये देखें, मुझे सांस भी काफ़ी चढ़ रहा है। और ये देखें माशाल्लाह इसकी खूबसूरती, और ये इतनी को बड़ी है, शायद वीडियो में इतनी बड़ी नज़र ना आ रही हो। इस मस्जिद का माशाल्लाह 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 साइज़ बहुत बड़ा है। आप देख रहे हैं फैंस कैसे पड़े हुए हैं, क्योंकि छत इसकी ऐसे राउंड में गोल है, जिस वजह से ऊपर फैंस नहीं लग सकते, इसलिए फैंस सारे नीचे लगाए हुए हैं, नीचे पड़े हुए हैं, जिसे हम फर्शी फ़ैन बोलते हैं। और ये देखिए आपको एक चीज़ और दिखाऊं, ये छत में होल हैं, ये छत के अंदर होल्स हैं, शायद आप लोगों को पता चल रहा होगा। ये देखें ये देखें, ये सब होल्स हैं छत में इसकी। और ये माशाल्लाह माशाल्लाह से इसका, ये मैंने क्लोज़ किया हुआ था, ये इसका नज़ारा है। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, खूबसूरत तरीन मस्जिदों में से इसका शुमार होता है। और नो डाउट बहुत प्यारी, और आवाज़ ऐसी प्यारी गूंजती है। नायरा आई आवाज़ वापस, दोबारा बोलो, ये आप लोग भी सुन रहे होंगे, शायद आप लोगों को भी इसकी आवाज़ कैसा लगा। चक्कर इसीलिए आया ना कि कोई पिलर नहीं है ना, अब जोर से करो, मस्जिद का एहतराम है ना, नहीं करो। ये आवाज आप लोगों को आ रही है, अभी भाई तिलावत कर रहे थे तो इतना अच्छा लग रहा था। भाई आप तिलावत दोबारा करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल वल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद ولم يولد ولم يكن له كفوا احد صدق الله العظيم। ये देखें जो इको हो रहा है, ये कितना जबरदस्त लग रहा है, और इतनी दिल चाह रहा है यहाँ से हम उठे ही ना, इतना मजा आ रहा है यहाँ पे, और कोई भी नहीं है यहाँ पे। अभी मगरिब की जो है जमात हो चुकी है और यहाँ पे कोई भी नहीं, अब इशा तक अंदर से खाली, वैसे भी जमात बाहर ही हो रही है। अच्छा, आजकल अंदर होती है, अच्छा ये जो छत पे होल्स है ना, इनमें शीशे लगे हुए हैं बकायदा, एक डिजाइन के लिए बनाया हुआ है। ऊपर से सारा ऊपर से कवर है ना, बाहर से दिखाइए, बहुत सुकून है यहाँ पे, बहुत सुकून है। और बच्चों को देखो जो कह रहे थे थक गए हैं, भाग ही जा रहे हैं, खेल रहे हैं, और ऐसे आवाज गूंज रही है, आपको शायद डबल आवाज आ रही होगी मेरी। ये देखे जी माशाल्लाह से ऊपर से, मैं ये चीज़ दिखाने चाह रहा हूँ, ये सारा मार्बल लगा हुआ है, पूरी कवर की हुई है, और अंदर से कितनी खूबसूरत है। और ये इसकी बाहर की जगह, ये माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत बड़ी मस्जिद है। ये तो एक साइड में दिखा रहा हूँ, ये सारा गार्डन इसका है, यहाँ तक ये पीछे दीवार है। ये देखें, ये देखें जी, ये इसका फ्रंट है, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत 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 खूबसूरत लग रही है। हाँ धो सकते हो पाँव वज़ू खाने में। ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये खूबसूरती है। ये देखें, ये इसकी सारी डिटेल लिखी हुई है, माशाल्लाह मस्जिद तौबा है। और माशाल्लाह माशाल्लाह मेरा ख्याल है कराची की सबसे खूबसूरत मस्जिद है माशाल्लाह से। ये देखें, अच्छा जी यहाँ का ये फेमस रेस्टोरेंट है,
ब्रोस्ट जान्स ब्रोस्ट चिकन, ये है, अजाने भी शुरू हो गई हैं, ये है जी सदर में। तो यहाँ पे हम लोग आए हैं खाना खाने जी। तो खाने के बाद हम लोग पीने आए हैं चाय मजे की, ये देखिए सब बैठे हुए हैं। हाँ ना, आज नायरा भी चाय पी रही कट, आज नायरा भी चाय पी रही है, लेके आई सबको कहते हैं कट। हाँ हाँ, चार कप और दो कट ऐसे ऑर्डर देते हैं। ये दरअसल ये पठान भाई बनाते हैं ना ऐसे, ये कट चाय, वो कट कट चाय बोलते हैं इन्हें। ये देखिए ये होता है, ये हाफ कट है और ये साथ उसके फुल कट है, ये फुल है, ये कट है, ये फुल है कटी हुई एक मिनट इब्राहिम और साथ में कट है। और ये पंगे लेने वाला है इब्राहिम, जिसे आप जानते हो, ये है। अब सीधा होके बैठ जाएगा, अब नहीं हिलेगा, देखिएगा। अब बोलो बोलो कुछ भी बोलो कुछ भी सुनिए जी, ये देखिए एक कप चाय, आए हाय आए हाय। और इसके बाद घर जाके भी भाई बोल रहे हैं चाय तो पिएंगे, क्या कह रही हो? मंग्स है ना इनके, थोड़ा सा इधर होके करो, इधर होके करो आप। कराची आके आपको भी चाय की आदत पड़ गई, मम्मा ने छोड़ दी, अच्छी लग रही है, मीठी है इसलिए आपको अच्छी लग रही है। अच्छा जी, आपको लगता है मैं आपको चाय की चाय पे डाल दूंगी, सर्दियों में पीना। अच्छा जी, तो हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, मज़ारे कायद का, मस्जिद का, डिनर का, आज हमारा लास्ट डिनर था। हमारा जो लगेज है ना वो पह के पीछे नजर आ रहा है, और हमारा आज लास्ट डिनर था कराची का, जो अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है, कल हमारी रवानगी है। आप लोगों ने ये भी हमें बताना है कि हमें टोटल कराची के जितने व्लॉग्स हैं, जो जो हमारे देखने वाले हैं, कम है ज्यादा है, हमें अब फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि अब मुझे समझ नहीं आ रही ये सब हुआ क्यों है, पर वो बात हम अगले व्लॉग में करेंगे। जब आप लोग ये व्लॉग देख रहे होंगे, हो सकता है हम ट्रेन में हो सकता है क्या ट्रेन में ही होंगे, या लाहौर पहुंचने के बाद हम व्लॉग अपलोड करें। बात ये है कि मजारे कायद, अगर आप लोग कराची से हैं या कराची आने का प्लान करें, तो मजारे कायद जरूर जाएं, अपने बच्चों को दिखाएं, अपनी हिस्ट्री से, अपनी जड़ों से अपने बच्चों को अटैच रखें, तो वो ज्यादा बेहतर है। और दूसरा ये कि मैं ये कहना चाहता था, लाइक सब्सक्राइब लाजमी किया करें, फॉलो क्या कहते हैं उसे, बेल आइकन भी दबा लें, नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। कुछ आज हमारे मेरे दो तीन दफ़ा रेगुलर बोलने से ना, हमारे कुछ पुरानी बहनें हमें कमेंट्स कर रही हैं, वापस आ रही हैं, तो बाकी भी आ जाओ। 3600 तो उतने लोग हो, व्यूज़ गए 500-700, कितने हो सुते हो? बरल हूँ तुसी अगले कमेंट, अगली इस वीडियो के कमेंट्स में आप सब बहन भाइयों ने हमें जवाब देने, मैं वेट करूंगा आपके जवाब का। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और यहीं पे होते हमारा कराची का टूर एंड, अब ओवर इंशाल्लाह, अब आपको हम दिखाएंगे कराची टू लाहौर बाय ट्रेन टूर इंशाल्लाह ताला। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, कल तक के लिए दीजिए इजाजत, ओके टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।